नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। लाइव सिटीज़ पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निखिल कुमार जी, जो कि नागालैंड और केरला के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। देश में इनकी एक अलग छवि है, इनकी बातों का अलग महत्व है। सर, जिस तरीके से वर्तमान में देश के राजनीतिक हालात हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को फिलहाल देख रही है? देखिए साहब, मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी तकरीरें करते हैं, भाषण देते हैं, उसका कोई सानी नहीं। 100 नंबर में मैं उनको 110 दूंगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। अब क्यों भूलते हैं, या कम से कम हम लोगों को लगता है कि भूल गए हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं। कल मैंने एक जगह पढ़ा था कॉलम में कि 56 इंच की छाती जहाँ है वहाँ है, लेकिन 96 इंच की जिब्बा इनकी जो है वो अब कारगर हो रही है। यानी उनका मतलब कहने का था कि बोलते बहुत हैं, अगर इतना बोले कम, अब दुनिया भर में भ्रमण करते रहें, झपिया डालते रहें, उससे यहाँ हिंदुस्तान में विकास नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान में विकास होगा तो हिंदुस्तान को समझें और सच बोलें। हम लोग कोई नहीं कहते हैं कि वो 100 चीज़ें कर डालें। अब जैसे कि आप लीजिए गुजरात से महाराष्ट्र का बुलेट ट्रेन, उसका कितना खर्चा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। आजकल हम लोगों को उस बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कि वो जो पैसे उस पर व्यय होंगे वो गांव और जो छोटे शहर हैं उनके विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उस पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन इनके दिमाग में है कि हम कुछ कर जाएं, तो ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में राष्ट्रहित कम है और अपना स्वतः हित ज़्यादा है। और इससे ये भी पता लगता है कि जो बोलते हैं वो, अगर जो उनको कहा जाए कि आप क्या करेंगे हिंदुस्तान के लिए, तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और करते रहे हैं, लेकिन जो बातें वो करते हैं उसको वो फिर पूरा क्यों नहीं करते। अब इतनी सारी बातें हैं, जब हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों के पास बैठते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए साहब आपको क्या तकलीफ़ है, हम लोग दूर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, तो सब एक तरफा यही बोलते हैं कि मोदी जी ने इतनी सारी बातें कही हैं और उनमें से कोई भी उन्होंने बात पूरी नहीं की, तो आप लोग क्यों नहीं उनको हटाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हो जाएंगे, ज़रूर हटेंगे, और आप ही लोगों के वोट से हटेंगे, और आप लोग जब वोट दीजिएगा उनके खिलाफ तब हम लोग आएंगे और आपकी बात और आपके पैमाने पर हम खरा उतरेंगे। किसान की बात है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर कोई इजाफा नहीं हुआ। अटल जी की सरकार 2004 में जब चली गई और हम लोग आए UPA 1 और UPA 2, तो उस समय 400 कुछ रुपए MSP थी, उसको उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए हमने उसको 1500 तक पहुंचा दिया था, यानी कि 10 साल में। और 5 साल में मोदी जी ने क्या किया है, कहते थे कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। अब जो अभी किसानों की हालत है वो आप देख लीजिए, किसान जहाँ डीजल का इस्तेमाल करता है, डीजल की कीमत देख लीजिए, मैं उसी सवाल पे रह रहा था, डीजल की कीमत देख लीजिए, अब इतनी सारी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत 85 रुपये हो गई, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो ये सब जो है हमारी आर्थिक स्थिति का द्योतक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मोदी जी आए थे 2014 के मई में और ये है सितंबर 2018, साढ़े चार साल। इन 4.5 सालों में रुपया जो है 21.7% घटा है, डिवैल्यू हुआ है 21.7%। जब यूपी की सरकार थी तो 58 रुपये थी रुपी की वैल्यू डॉलर के मुताबिक, अब हो गई है, आप सोच लीजिए कितनी। तो ये जो 21.7% का हमारा रुपया घटा है, उसका वैल्यू गिरा है, मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए।
मोदी जी इस बात को क्यों नकार जाते हैं जब कोई उनसे पूछता है सवाल, जैसे कि काले धन का या वो 15 लाख वाला जो मामला था वो, तो उस बात को टाल देते हैं, उसका जवाब ही नहीं देते। और इसीलिए मोदी जी ने इन 4-4.5 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, क्योंकि उनके पास जानते हैं वो कि जवाब नहीं है उन सवालों का जो आप लोग करेंगे उनसे। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी सरकार की तरफ से बोले और खाली झूठ ना बोले, प्रोपेगेंडा ना करे। मोदी जी प्रचारक बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रचार खूब बढ़िया करते हैं, लेकिन प्रचार करके भूल जाते हैं कि क्या कहा था मैंने और उसको कैसे पूरा किया जाए। अब राहुल जी के बारे में लोग कहते थे कि वो जो बोलते हैं वो हम लोग समझते हैं कि देश यानी राष्ट्र के बारे में तब बोलते हैं जब उनकी समझ जो है वो सीमित सी है। अब आप देखिए राहुल गांधी को जहाँ कहीं भी बोलते हैं, चाहे वो अहमदाबाद के चुनाव हो, चाहे वो कर्नाटक के चुनाव हो, या दिल्ली में जब भी कभी उनसे कोई पूछताछ होती है तो जो बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट में वो बात कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे, तकरीर दे रहे थे, तो देखा उन्होंने कि मोदी जी ऊपर देख रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा कि अरे मोदी जी, अरे भाई वहाँ क्या कर रहे हैं आप, इधर देखिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, एक सवाल तो निखिल सर ये भी बनता है ना कि अभी जब वर्तमान में राहुल गांधी की ज़रूरत नई दिल्ली की सड़कों पर है, वो 15 दिन की मानसरोवर यात्रा पर चले गए हैं, एक उनका जो बिहार के प्रति जो निर्णय है, काफ़ी लंबे समय से आपके यहाँ प्रभारी अध्यक्ष ही हैं, एडहॉक सिस्टम ही चल रहा है, कोई फुल फ्लेज अध्यक्ष आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आज जब रुपया इतना नीचे गिर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स इतने हाई हो रहे हैं, इन सब वक्त पर राहुल गांधी जिस जगह पर नज़र आना चाहिए वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। और दूसरी बात, आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप अपने देश की बुराई जो है देश की धरती के बाहर करते हैं? एक बात आपको मैं स्मरण कराऊं, देश अपने देश की सरकार की शिकायत बाहर नहीं करनी चाहिए। शुरू किसने किया था? अगर शुरू मोदी जी ने भी मोदी जी ने भी किया तो आप उनका अनुसरण करेंगे क्या? नहीं, अनुसरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वो बात करके आए हैं उसका कहीं ना कहीं तो जवाब देना है ना, कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में जो बाहर के लोग हैं उनके दिमाग में जो फितूर भर दिया गया है उस फितूर को हम लोग कैसे बने रहने दें? ये हमारा फर्ज है उन लोगों के प्रति जो हमारे 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 समर्थक हैं और जो हमारे राष्ट्र के रहने वाले हैं, जो फेलो इंडियन जिसको कहा जाता है, उनको बताना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में रहें या प्रवासी रहें, लेकिन वो हैं हिंदुस्तानी। अगर उनके दिमाग में मोदी की झूठ बात कर करके फितूर भर देते हैं तो हम लोग 2014 में चुप रहे, 15 में चुप रहे, 16 में चुप रहे, 17 तक चुप रहे, ये तो हाल हाल में लगा कि साहब ये बहुत कुछ हो रहा है और पानी नाक से ऊपर बढ़ रहा है, ये तो इनका जवाब देना ही होगा। और तब जाके राहुल जी ने ये बातें की हैं, पहले कभी करते नहीं थे, नहीं करते थे तो हमारा जो हमारे देश की स्थिति का सवाल है वो एक गलत किस्म से चित्रित किया जाता था मोदी जी के द्वारा। अब जा करके उनको पता लगा है कि साहब हम जो किया करते थे वो गलत है, इसका भी हमको उत्तर मिल सकता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि पहले हम लोग इसी परंपरा के थे कि नो हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कि 12-13-14 हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने क्यों किया? इन्होंने शुरू किया, आपको याद होगा वहाँ वाशिंगटन में, नहीं न्यूयॉर्क में जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन की मीटिंग थी उसमें, फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ये कहा, फिर दुबई में उन्होंने ये कहा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? और उनकी पार्टी वाले हम लोग को कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, खुद तो करके उन्होंने बर्बाद कर दिया हमारी जो छवि थी हिंदुस्तान की, और कहते हैं कि अब हम जो हैं तो कुछ कर रहे हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? अरे 70 साल तक कांग्रेस ने जो किया है उसी की वजह से आप आज सरकार में आए हुए हैं। मान तो रहे ना सर, कहीं ना गलती की है आप लोगों ने तभी ये सरकार में आ पाए। गलती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाया और उसको प्रोटेक्ट करके रखा, जवाहरलाल ने उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो हम वो भी वही करते हैं, वो भी वही नेतृत्व देते जो पाकिस्तान में हम देख रहे हो रहा है, नहीं हुआ वो,
और जवाहरलाल की वजह से हिंदुस्तान वो है जो आज कल है, और उनको नगण्य किया जाता है, उनको झुठलाया जाता है, शर्म की बात है। हम लोग सब बर्दाश्त करते जा रहे हैं, लेकिन कभी न कभी तो ये पानी जो है नाक के ऊपर जब जाएगा तो कुछ बोलना पड़ेगा। मोदी जी, आपको एक मिसाल देते हैं, अभी हाल फिलहाल की बात है, मोदी जी ने जवाहरलाल की भूरी भूरी भर्त्सना की, उसके ठीक दूसरे दिन हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री जी ने एक कार्यक्रम में जो जवाहरलाल से संबंधित था, जवाहरलाल की तारीफ की और खूब तारीफ की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्यों नहीं कर सकते थे? उनके पास इस किस्म की घटिया राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? चाहे वो जो भी कर लें, जवाहरलाल की छवि को नहीं हटा सकते। अब सबसे बड़ी बात आज ये है, वो कहते थे उनको, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, मौन मोहन सिंह, बोलते नहीं, बोलते तो ये भी नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इतनी सारी लिंचिंग्स हुई, इतने सारे मुकदमे हुए, इतने सारे कांड हुए, उस पर क्यों नहीं बोलते वो? क्यों इसलिए नहीं बोलते? क्योंकि शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए हमदर्दी है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग कैसे कहें कि भाई आप दोबारा आइए? चलते चलते आखिरी सवाल है सर, बिहार की राजनीति, खासकर नीतीश कुमार 12-13 साल से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब आज के डेट में जो बिहार के हालात हैं, इसको आप खुद भी आईपीएस रहे हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर या बाकी सारी चीज़ों? सबसे बड़ी बात नीतीश जी की थी और इसके हम लोग प्रशंसक थे कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को टाइट कर दिया था, और हम लोग सब उनके प्रशंसक बने, चाहे वो शहर की बात हो, गांव की बात हो। अमन था, शांत था, शांति थी, चैन था, वो बिगड़ गया है और बहुत बड़े पैमाने पर बिगड़ा है। इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। अब सरकार को वो काम करने चाहिए थे जो वो नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज़ ए बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाला केस जैसा केस भी हो गया, इस तरह के कई केस हो गए, तो ये कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार ये नहीं कर रहा? हम अभी दिल्ली से आ रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने मजाक में हमसे मुजफ्फरपुर के बारे में बताया, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सका। अब जवाब नहीं दे सकने का मुझको बहुत दुख हुआ, फिर हमने कुछ सोच समझ करके बताया कि देखिए हमने तत्काल कार्रवाई कराई है, उसको सबसे पहले हम ही लोगों ने उठाया था। लेकिन सवाल है कि ये उठा मुजफ्फरपुर के इस कांड की बात बाहर उठाई गई, क्यों उठाई गई? जब हुआ कांड तभी उठाई गई? तो साहब ये जो अगले आखिरी सवाल है, अगले लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस से कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा? इतना मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अगले चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। और हम लोग आपसे कह रहे हैं, आपके ज़रिए कह रहे हैं कि लोगों को तैयार हो जाना चाहिए अगले साल के चुनाव के बाद ऐसे परिणाम देखने को जो शायद अब से कोई 3 साल पहले उम्मीद नहीं करते थे या कल्पना भी नहीं करते थे। तो ऐसा ही परिणाम होने वाला है। तो कुल मिलाकर करके ये फॉर्मर आईपीएस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नागालैंड और केरला के गवर्नर रह चुके निखिल कुमार जी लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। एक बड़ी बात इन्होंने अभी भी कही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे परिणाम आने वाले हैं जो कि आज से 3 साल पहले शायद किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं होगा, शायद उसका अंदाजा नहीं लगाया होगा। साफ इशारा है निखिल कुमार जी का कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक उम्दा प्रदर्शन होगा, बेहतरीन प्रदर्शन होगा। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज़, पटना।